Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Pakistani Girls React. My name is Fatma and my name is Dua. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है All Indian Metros 40 Cities 2020. इससे पहले भी जो है वो हम इंडियन काफ़ी ज़्यादा इंडियन सिटीज़ की मेट्रो सिस्टम पे रिएक्ट कर चुके हैं, तो हमें आइडिया है कि मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाली होती हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके कितनी फीचर्स होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडिया की सारी प्रेजेंट अंडर कंस्ट्रक्शन, अप्रूव्ड, प्रपोज्ड और कैंसल्ड मेट्रो लाइंस के बारे में बताऊंगा। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज दुनिया में चाइना के बाद इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मेट्रो लाइंस बना रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता में देश की पहली मेट्रो लाइन बनी थी जो 24 अक्टूबर 1984 में खुली थी। ये लाइन टोटल 33 किलोमीटर लंबी है और 107 किलोमीटर की लेंथ कोलकाता में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को खुली थी और ये इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है। इस सिस्टम में टोटल 348 किलोमीटर की लाइन का ऑपरेशनल है और अभी फिलहाल इसमें 103 किलोमीटर का और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगली लाइन है नम्मा मेट्रो जो बेंगलुरु में बनी है। दोस्तों, ये मेट्रो लाइन 2011 में खुली थी और ये इंडिया की सदर्न स्टेट्स में पहली मेट्रो लाइन थी। ये टोटल 42 किलोमीटर लंबी है और इस प्रोजेक्ट में टोटल 57 किलोमीटर का काम अभी जारी है। अगली है रैपिड मेट्रो गुरुग्राम। दोस्तों, गुरुग्राम 14 नवंबर 2013 को खुली थी और ये देश की पहली टोटली प्राइवेटली ओन्ड मेट्रो थी। ये टोटल 11 किलोमीटर लंबी है और फिलहाल इसके आगे कोई प्लान नहीं किया गया है। अगली मेट्रो लाइन है मुंबई से। दोस्तों, मुंबई में 8 जून 2014 को पहली मेट्रो खुली थी और 11.4 किलोमीटर की लाइन अभी मुंबई में ऑपरेशनल है। इसके साथ साथ 312 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस अभी मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये देश की पहली मेट्रो लाइन थी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाई गई थी। दोस्तों, इसके आगे है जयपुर मेट्रो। जयपुर में 3 जून 2015 को पहली मेट्रो लाइन शुरू हुई। ये टोटल 9.6 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 2.4 किलोमीटर का काम अभी जारी है, जबकि 23 किलोमीटर प्रपोज्ड है। ये देश की पहली मेट्रो लाइन थी जो डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड पर बनाई गई थी। अगली है फिर से साउथ इंडिया से, जो है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो 2015 में खुली थी, इसकी टोटल लेंथ 45 किलोमीटर थी और ये देश की पहली मेट्रो थी जिसमें डायरेक्टली लूप सर्विसेज चलते थे। अगली है कोची मेट्रो। कोची मेट्रो 2017 में खुली थी और इसकी टोटल लेंथ 23.8 किलोमीटर है। इसमें 3.7 किलोमीटर का अभी और काम जारी है और ये देश की पहली मेट्रो है जिसमें लाइव CBTC सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया गया था। अगली है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों, लखनऊ मेट्रो 2017 को शुरू हुई और इसमें 23 किलोमीटर की लाइन अभी ऑपरेशनल है। ये दुनिया की सबसे तेज बनने वाली मेट्रो सिस्टम है। अगली है हैदराबाद मेट्रो। दोस्तों, हैदराबाद मेट्रो 29 नवंबर 2017 को खुली थी जो टोटल 69 किलोमीटर लंबी है और इस मेट्रो लाइन में टोटल 4.7 किलोमीटर का काम अभी जारी है। दोस्तों, ये इंडिया की पहली मेट्रो लाइन थी जिसमें CBTC सिस्टम के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन एंड सुपरविजन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण ड्राइवरलेस मेट्रो भी इसमें चलाई जा सकती है। अगली है नोएडा मेट्रो। दोस्तों, नोएडा मेट्रो 25 जनवरी 2019 को शुरू हुई जो टोटल 29.7 किलोमीटर लंबी थी। अगली है अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो मार्च 2019 को खुली थी जो टोटल 6.5 किलोमीटर लंबी है और इस लाइन में 40.03 किलोमीटर का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगली है नवी मुंबई मेट्रो। दोस्तों, नवी मुंबई मेट्रो टोटल 22 किलोमीटर लंबी है और ये मुंबई के सैटेलाइट टाउन में बनाया जा रही है। ये मेट्रो अगले साल तक खुलने की आशंका है और इस मेट्रो लाइन के लिए पहली ही रेक जो है वो पहुंच चुकी है। अगली है पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो टोटल 31.5 किलोमीटर लंबी अभी बनाई जा रही है और 54 किलोमीटर प्रपोज्ड है। इसका काम 2017 में शुरू हुआ और आने वाले समय में जल्दी ये मेट्रो पूरी हो जाएगी। अगली है कानपुर मेट्रो। दोस्तों, कानपुर मेट्रो का कंप्लीशन डेट 2021 का बताया गया है दिसंबर में और ये टोटल मेट्रो 24 किलोमीटर लंबी होगी। अगली है भोज मेट्रो जो भोपाल में बन रही है। इस मेट्रो लाइन का कंप्लीशन डेट 2023 का बताया गया है और 27 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो है। इस मेट्रो का काम 2018 में शुरू हुआ था। अगली है इंदौर मेट्रो जो टोटल 31 किलोमीटर लंबी होगी। ये सितंबर 2019 को अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है
और आने वाले समय में ये मेट्रो कंप्लीट हो जाएगी। अगली है आगरा मेट्रो। दोस्तों आगरा मेट्रो 2024 को कंप्लीट होने की डेट बताई जा रही है और ये टोटल मेट्रो 27 किलोमीटर लंबी है। अगली है पटना मेट्रो। दोस्तों ये लाइन भी 2024 तक खुल जाएगी ऐसा बताया गया है और ये लाइन टोटल 31 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों हमारे प्रपोज मेट्रो में सबसे पहली है देहरादून मेट्रो जो उत्तराखंड में बनी हुई पहली मेट्रो लाइन होगी। इसके बाद है सूरत मेट्रो। इसके बाद में है सूरत मेट्रो जो गवर्नमेंट ने 2019 में पास कर दिया है और इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा। अगली है श्रीनगर मेट्रो जो टोटल 25 किलोमीटर की लेंथ रखेगी और इसका काम जो है 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगा ऐसी डेट बताई गई है। अगली है जम्मू मेट्रो। दोस्तों 43.5 किलोमीटर लंबी है मेट्रो का प्रपोजल लास्ट ईयर पास हो चुका था। इसका कंप्लीशन डेट 2024 है और इसका काम भी श्रीनगर मेट्रो की तरह इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। अगली है मेरठ मेट्रो। दोस्तों मेरठ मेट्रो उत्तर प्रदेश में बनने वाली एक और मेट्रो लाइन है जो टोटल 30 किलोमीटर लंबी होगी। 2024 तक इसका काम पूरा हो जाने की आशंका है और इसका फाउंडेशन स्टोन मार्च 2019 में रख दिया गया था। जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अगली है गुवाहाटी मेट्रो। गुवाहाटी मेट्रो आसाम में बनने वाली 61.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जिसका DPR और कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल आ चुका है। अगली है गोरखपुर मेट्रो। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भरी हुई और एक मेट्रो लाइन है जिसका टोटल प्रपोजल लेंथ 27.14 किलोमीटर का है और ये मेट्रो लाइन अभी प्रपोज स्टेज में है। अगली है विशाखापट्टनम मेट्रो। दोस्तों आंध्र प्रदेश की ये मेट्रो लाइन टोटल 80 किलोमीटर लंबी होगी और इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के ऊपर कोई फाइनल डेट नहीं आई है। अगली है विजयवाड़ा मेट्रो जो आंध्र प्रदेश में बनेगी। 62 किलोमीटर का ये प्रपोजल है और ये अभी भी अप्रूव नहीं हुई है। अगली है कोयम्बतूर मेट्रो। दोस्तों तमिलनाडु में बनने वाली ये मेट्रो लाइन का अभी तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी अभी जारी है। इसके बाद में ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो। दोस्तों इस मेट्रो लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी जारी है, अगर फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव निकलती है तो यहाँ पर भी मेट्रो लाइन का प्रपोजल पेश किया जाएगा। अगली है जबलपुर मेट्रो। दोस्तों जबलपुर में भी फिजिबिलिटी टेस्ट का काम जारी है। इसके आगे और तीन शहर है जो है बरेली मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, रांची मेट्रो। ये तीनों लाइन्स अभी प्रपोज स्टेज में है और गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है कि इन मेट्रो लाइन्स की जरूरत है या नहीं। और इसके बाद में है कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो लाइन प्रपोज किए गए थे लेकिन कैंसिल हो गए। दोस्तों चंडीगढ़ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर मुंबई और लुधियाना मेट्रो, ये चार शहर ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों के कारण कैंसिल कर दिए गए, जिसमें ज्यादातर फिजिबिलिटी का इशू था और कुछ प्रपोजल्स में फंडिंग की इशू थी। तो दोस्तों ये रहे हमारे देश में बन रहे अलग अलग अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड, अप्रूव्ड और कैंसिल मेट्रो लाइंस। इन लाइंस के कंप्लीट होते ही इंडिया में पूरी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सबवे नेटवर्क होगा, ये आप कह सकते हो इंडिया में जैसे हम कहते हैं मेट्रो नेटवर्क होगा और टोटल देश में 2300 किलोमीटर का मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। दोस्तों ये रही आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलेंगे अगली वीडियो में। तो ये है कि मतलब ओवरऑल जो हमने जितनी भी मेट्रोज देखी उन सारों का ही स्टाइल जो उसकी लुक्स वगैरह थी वो भी डिफरेंट था। और मतलब 7 मिनट की वीडियो में हम पता भी नहीं चला कि उन्होंने 40 सिटीज़ कवर कर ली कितनी ज़्यादा और सारी सिटीज़ की मेट्रोज के स्टाइल डिफरेंट। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मतलब इंडिया में कितनी डेवलपमेंट है, कि मतलब कितनी ज़्यादा सिटीज़ में मेट्रो और वो भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और फीचर्स के साथ, ना सिर्फ लुक और शेप के लिहाज से, अंदर उनके सिटिंग एरिया और जो भी सारा कुछ वेल डिज़ाइन था। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा मतलब अप्रिसिएशन बनती है उनकी, कि कितनी मेहनत भी लगती है कि ना सिर्फ किसी एक मेट्रो को डिज़ाइन करने के लिए इतनी सारी सिटीज़ की, वो भी डिफरेंट लुक देने के लिए, यूनिक स्टाइल देने के लिए। तो और दूसरा वही जो बात हम पहले भी काफ़ी करते रहे हैं कि मतलब इस तरह की चीज़ों को जो किसी भी कंट्री की होती है उनको मेंटेन कर लिए करने के लिए एक पब्लिक का जो है वो मेन रोल होता है कि वो इसे किस तरीके से मेंटेन रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमत ने तो बनवा देनी होती है, आगे ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उस ट्रांसपोर्ट को किस वे में यूज़ करते हैं। और जाहिर है अगर वो जितना उसे चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे वो उतनी देर तक उनके लिए रिलायबल रहेगी। हाँ जाहिर सी बात है। तो ये कि ओवरऑल वीडियो देख के हमें काफ़ी पसंद आई, क्योंकि और इसमें दिल्ली मेट्रो का भी उन्होंने बताया, जो कि हम पहले भी इनमें से कुछ वीडियोस के मुतालिक देख चुके हैं जिसमें हमें दूसरे सिटीज़ की भी मेट्रोज देखने को मिली हैं। और बीच में वो जो लुक्स वो कई कई जगहों की दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो जगह, आई गेस पहले हमने देखी नहीं है, लेकिन आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी जगह की लुक थी। तो और एक वो बादशाही मस्जिद की जैसे आगरा की जो थी सेम बिल्कुल वो हमारे यहाँ बादशाही मस्जिद से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही थी। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।